स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप भी कर सकते हो। हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। ओके, तो ये देखिए, यहाँ पर कोई आपके पास बाउल है और बाउल का मैंने आपको बताया अभी पिछले क्वेश्चन में भी कि इंटरनल रेडियस दे या इंटरनल डायमीटर आपको बोल दे, आपको परेशान नहीं होना, आप उसको रेडियस या डायमीटर ही मान के चला करिए। ठीक है, तो इंटरनल रेडियस आपको दिया हुआ है इन्होंने कितना, आपको आर इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ अ लिक्विड। ओके, तो इसमें बच्चों देखिए कोई लिक्विड फिल भरा हुआ है ये ऐसे, ठीक है, तो इसके सरफेस तक ऐसे पूरा लिक्विड ऐसे भरा हुआ है। ठीक, अब जितना भी इसमें लिक्विड होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो बाउल के वॉल्यूम के इक्वल होगा। बाउल का जो वॉल्यूम होगा, हेमिस्फीयर बाउल का जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम ऑफ किसके इक्वल होगा, लिक्विड के। सही है, अब देखिए क्या किया जाता है, इस बाउल को एम्प्टी किया जाता है, इसको खाली किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप बॉटल्स ईच ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। तो इस बाउल को एम्प्टी किया जाता है, यानी कि खाली किया जाता है, किसमें, सिलेंड्रिकल बॉटल्स में। तो देखो चुनिए, जो सिलेंड्रिकल बॉटल्स हैं इनकी खासियत क्या है, इनकी हाइट है आपकी 4 सेंटीमीटर। तो सिलेंड्रिकल जो भी आपकी बॉटल्स हैं, हम कैपिटल एस से दिखा रहे हैं सिलेंडर की हाइट को, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है आपकी, 1.5 सेंटीमीटर है। करेक्ट, कोई डाउट है बताइए। क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी बॉटल्स आर नीडेड टू एम्प्टी द बाउल। अब सुनो, कितनी बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी कि बाउल पूरा खाली हो जाए। बहुत इजी, सपोज एन बॉटल्स की जरूरत है। भाई चेक करो ना, बाउल कैसे खाली करते हो, इसमें से लिक्विड निकालोगे, इसमें डालोगे। अभी जो बाउल खाली नहीं हो गया, एक सिलेंड्रिकल बॉटल भरी, फिर दूसरी सिलेंड्रिकल बॉटल लाओगे, ऐसी लिक्विड निकालोगे, इसको भरोगे, फिर तीसरी सिलेंड्रिकल बॉटल लाओगे, धीरे धीरे इसका लिक्विड कम होता जाएगा और आ कहाँ रहा है, इन सभी बॉटल्स में। तो सपोज ऐसी कितनी बॉटल्स रिक्वायर्ड है, एन एन। ओके, तो लेट द एन सिलेंड्रिकल, लेट द एंड सिलेंड्रिकल बॉटल्स आर रिक्वायर्ड। माना कि कितनी सिलेंड्रिकल बॉटल रिक्वायर्ड है, एन। करेक्ट, तो एक बात बताइए बच्चों, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल बॉटल इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ बाउल। बस, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल बॉटल इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। करेक्ट, एन क्या नंबर ऑफ क्या है, बॉटल्स हैं, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल बॉटल। बच्चों वॉल्यूम ऑफ बॉटल सिलेंड्रिकल है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमने लगा दिया पाई आर स्क्वायर एच। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, ये सिलेंडर की रेडियस को आप कैपिटल आर से दिखाइए, क्योंकि बाउल की रेडियस को आपने किससे दिखाया है, स्मॉल आर से, है ना। तो पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे हम सिलेंडर का वॉल्यूम रख रहे हैं, सिलेंड्रिकल बॉटल का, इसलिए कैपिटल आर स्क्वायर, इसलिए कैपिटल आर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। आर स्मॉल रखेंगे बिकॉज हमने जो हेमिस्फेरिकल बाउल है उसके रेडियस को स्मॉल आर से शो किया। अब देखो ये पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है, और दिस इम्प्लाइज कि एन का जो वैल्यू आएगा, ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो 2 × r³ 2r³ और अपॉन में क्या है 3। अब यहाँ पर एन में मल्टीप्लाई है आर स्क्वायर एच का, तो ये नीचे आके डिवाइड में चला जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एच। कोई डाउट है बताइए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 2 × r³ स्मॉल आर, ध्यान दें स्मॉल आर कितना है, 9 है, तो 9 का क्यूब यानी कि 9 × 9 × 9 और डिवाइडेड बाय 3 × कैपिटल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर कितना है, 1.5, तो 1.5 का स्क्वायर यानी कि 1.5 × कैपिटल एच। कैपिटल एच कितना है आपका, 4 है, और सब कुछ सेंटीमीटर में है, तो ध्यान से करो, 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पे देखिए 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम नंबर ऑफ बॉटल्स निकाल रहे हैं और नंबर्स का कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे कैंसिल आपका हो गया। ठीक है, चलो करते हैं स्टूडेंट्स इसको सॉल्व। 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × 3 = क्या होता है, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा सॉल्व करना, तो यहाँ से पॉइंट हटा के यहाँ आपने 10 बढ़ा लिया, और यहाँ से पॉइंट हटाया तो यहाँ आपने 10 बढ़ा लिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ 15 बच गया, यहाँ भी 15, तो 3 × 3 = क्या हो गया, 9, और 3 × 5 = क्या होता है, 15 होता है, ठीक। फिर ठीक इसी तरीके से 3 × 1 = 3 हो जाएगा, ओके, और 3 × 5 = होता है आपका 15। अब 5 × 1 = 5, और 5 × 2 = 10, और 5 × 1 = 5, और 5 × 2 = 10, 2 × 2 = क्या होता है, 4, और नीचे भी 4, तो ये वाला 4 और ये 2 × 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पर, ध्यान से चेक करिए, 2 × 3 = 6, 6 × 9 = 54, ठीक है, तो 54 बॉटल्स।
तो आंसर हम क्या लिखेंगे, देर आर टोटल 54 बॉटल्स नीडेड टू एम्प्टी द हेमी स्फेरिकल बाउल। ओके।